सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1982 में स्थापित किया गया था। यहाँ जानवरों में ट्रागोपेन, बाघ और तेंदुआ शामिल हैं। यह यहाँ है कि प्रसिद्ध शिरोई लिली प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। सिरोया की मुख्य चोटी मानसून के दौरान फूलों से भर जाती है और यह एक वास्तविक स्वर्ग है। पुखरूल के पास शिरोई काशोंग चोटी समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अद्भुत पहाड़ी शीर्ष दृश्य बिंदु है। इस चोटी की दरारों और ढलानों से कई नदियां निकलती हैं। विदेशी शिरोई लिली का फूल मई जून में पहाड़ी की चोटी पर खिलता है। फूल हर साल सैकड़ों वैज्ञानिकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। बेलीथा स्ट्रागोपन और मिसेज्यूम के बार समर्थित तीतर जैसे दुर्लभ पक्षी पहाड़ी की चोटी पर निवास करते हैं। पार्क में प्राकृतिक जीवन एक अबाधित जैविक प्रणाली द्वारा समर्थित है। इसके चारों ओर घने उष्णकटिबंधीय वन हैं और पहाड़ियों की चोटी पर समशीतोष्ण वन है। लगभग 41 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का वन अभयारण्य है, जिसे वर्ष 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। सिरोही के प्राकृतिक आवास के कारण इस स्थान का एक बड़ा महत्व है। लिली जो यहाँ प्राकृतिक रूप से यहाँ ही और दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों की एक विशाल विविधता के लिए आदर्श आवास माना जाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ जानवरों की प्रजातियां जंगली सुअर, बाघ, तेंदुआ और हिरण और कई अन्य मृग हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने से आमतौर पर उल्लू, गिद्ध, युद्धपोत, तीतर, स्तन, चील आदि पाए जाने वाले एविफौना को देखकर प्रसन्नता हो जाती है। संक्षेप में कैसे पहुंचा जाए? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान तक जाने और प्रकृति की जंगली कृतियों का अनुभव करने के लिए कोई भी सार्वजनिक परिवहन सुविधा का लाभ उठा सकता है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के बीच सर्दियों के मौसम के दौरान यात्रा करने पर विचार करें, क्योंकि बहुत ही शांत और शांत मौसम में वन्य जीवों को देखने का अवसर मिलता है। आने का समय राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। प्रवेश शुल्क खयांग पीक में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।